शुभ कौन सा बेबी उठा है ये? मेरा बायोमेट्रिक हो चुका है सिर्फ 10 मिनट में। बहुत तेज बारिश हो रही है, इतना सही मौसम हो गया है ना। शॉप पर मिले राखी साबुन। हमारी मसाला चाय देखने में काफी यम्मी लग रही है। Hey everyone, welcome back to my another vlog. So अभी बज रहा है पौने रख रहे हैं बज रहा है 7:45 और हम लोग हैं लिफ्ट में, देख लीजिए, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं बायोमेट्रिक कराने और ये सिर्फ लास्ट स्टेप है मेरा। मेडिकल वगैरह सब हो चुका है, सो नीचे आके मिलती हूँ मैं आपसे। यहाँ पर हमारी कैब आ गई है, हम जा रहे हैं ऑफिस जहाँ पर मुझे बायोमेट्रिक करवाना है था। यहाँ पर हम ऑफिस भी पहुँच गए। मेरा बायोमेट्रिक हो चुका है सिर्फ 10 मिनट में हो गया। पीछे देखिए आपको ऑफिस दिख रहा है, इसी में था। सिर्फ 10 मिनट लगे बायोमेट्रिक होने में, हो गया पूरा, फिंगरप्रिंट लिया गया। आप फाइनली क्या दुबई में रह सकते हैं? दो साल के लिए आप, मैं दुबई में रह सकती हूँ। शुभ जी कौन सा बेबी उठा है ये? इक्षित सुबह से उठ गया है, उसको नींद आ रही है बहुत ज्यादा। डन बोल रहा, डन मम्मा का काम हो गया, डन। इक्षित बाय बाय। इक्षित को आ रही है नींद क्योंकि इक्षित बे टाइम उठ गए थे, तो इक्षित एकदम नींद में। सो फाइनली मेरा बायोमेट्रिक भी हो गया, अभी एमरेट्स आईडी आएगी, उसको आने में 5 से 6 दिन लग जाता है शायद। सो अभी देखते हैं कि, और हाँ आज एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि आज हमारी एनिवर्सरी है। हमने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपनी शादी को, और इक्षित बजा रहा है ताली, उसको भी मज़ा आ रहा है कि ये 3 साल कंप्लीट हो गए पम्मा। हम लोग प्लान कर रहे थे कि आज शाम को हो सकता है हम लोग कहीं बाहर कुछ खाना वाना खाने जाएं, तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट और कर लेती हूँ क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठी थी। चलिए रेस्ट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 3 hours later गाइस, ये देखिए दुबई की बारिश, इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज हो रही है और बिजली भी कड़क रही है। देखिए आप पूरा गीला हो गया है, ये देखिए बहुत तेज बारिश हो रही है, इतना सही मौसम हो गया है ना। आज हमारी एनिवर्सरी और एनिवर्सरी पे दुबई में बारिश, मतलब बहुत देर ये देखने को मिलता है। ये इक्षित बहुत खुश हो रहा है बारिश देख के, देखिए कितनी बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन शायद आपको वीडियो में तो इतना समझ नहीं आ रहा होगा, बट बहुत ज़्यादा तेज है बारिश। बहुत खुश हो रहा है बारिश देख के, मजा आ रहा है वो बारिश देख के। मजा आ रहा है बारिश देख के। 6 hours later गाइज, हम लोग जा रहे हैं बाहर, हम लोग रेडी हो चुके हैं, बाहर निकल रहे हैं घर के।
हम लोग थोड़ी देर पहले एक शॉप पर मिले राखी सावंत से, उसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा दूंगी। और बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी वो, उनके बॉयफ्रेंड को देख के मैं समझी कि वो राखी सावंत है। और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, जिसकी हमने पहले से बुकिंग करवा ली थी। हम पहुंच नहीं पा रहे हैं हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है। बहुत बड़ा मॉल है ये। हमारा रेस्टोरेंट मिल नहीं रहा है जहाँ हमें जाना है। हम आए हैं डेरा सिटी सेंटर मॉल। राखी सावंत से मिलके प्रियंका बहुत खुश हो गई है। नहीं मतलब पहली बार किसी सेलिब्रिटी से मिले दुबई में। अरे एक्चुअली क्या हुआ कि मैं कुछ इंक्वायरी कर रहा था, तो वो वहाँ खड़ी हुई थी, प्रियंका ने देखा, प्रियंका ने बोला आपको एक बात बताऊँ, वो राखी सावंत है। पतिदेव जा रहे हैं रेस्टोरेंट का पूछने कि कहाँ है, वैसे यहाँ पर मैप भी होते हैं। तो हम जा रहे हैं गजीबो, रेस्टोरेंट का नाम है गजीबो, हम वहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली जहाँ पर हम आए हैं वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट कम है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी हैं। सो देखते हैं कि यहाँ का खाना कैसा होता है। तो हमने बुकिंग की थी इसलिए, देखिए हमें कैबिन टाइप का मिला है और ये यहाँ से कर्टेन भी इन्होंने डाल दिए। तो यहाँ पे हमारा रूम देखते हैं सेपरेट है, जहाँ पर हम खाना वाना खा सकते हैं। कैसा लग रहा है एनिवर्सरी पे, मजा आ रहा है? आप बस मोक्ष मोक्ष प्राप्त कर सकते। ये रही हमारी मसाला चाय, देखने में काफी यम्मी लग रही है। Cute my baby. सो ये देखिए मुझे रास्ते में मैप आखिरकार मिल ही गया। मैं बहुत दूर रही थी कि मैप है कहाँ, सो मुझे मैप मिल गया। सो उसमें मैं सर्च करने लगी कहीं कहीं जाने की जगह, और इक्षित का हाल देखिए कैसा बेहाल हो गया है, और ये इतना ज़्यादा नाटक करने लगा है ना आजकल, ये देखिए ऐसे टेढ़ पड़ा रहता है।
सो डिनर करने के बाद हमने सोचा कि चलो कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं क्योंकि विंटर भी आने वाला है। खैर अभी यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, सो हम लोग आ गए यहाँ पर कुछ कुछ कपड़े देखने। सो यहाँ पर चल रहा था बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेल, 60-70% ऑफ चल रहा था। सो बस हम वहीं कपड़े देखने आ गए थे। अभी हम जा रहे हैं बाहर निकल कर, काफ़ी थक चुके हैं हम घूमते घूमते। 11 बज गया साढ़े आठ बजे। तो बस हमने कैब कर ली थी, सो अभी हम जा रहे हैं घर पर कैब से। और इक्षित को देखिए कैमरे में कैसे देखे जा रहा है उसको बड़ा मज़ा आता है देखने में। सो गाइज हम आ गए हैं घर और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अब मुझे आ रही है नींद। तो बस मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी और हम जा रहे हैं सोने। सो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया आज। सो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे बहुत सारा सपोर्ट करिए और प्यार दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।